हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, तो ये दोनों चीज़ें मैं चेक करूँगी। आप में से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम आप थर्ड पार्टी के लिए एक बार रीडिंग कर दीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी के लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं उसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, जिनकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं, रीयूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या चल रहा है उनके साथ, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है एंजल्स। एक कार्ड ये रहा, टेम्परेंस और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आया है टेन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो आप हैं आपके पार्टनर के साथ और दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए, टू ऑफ कप्स, आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, लेकिन इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग बर्डन, अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं। थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तबीयत ख़राब रहती हो और उनको वो किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ठीक है। मे बी आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों, पेरेंट्स ना मान रहे हों, तो एक तो ये दिख रहा है। दूसरा, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं। इनके लिए टाइम ही नहीं है कि शादी भी करनी है या कमिटमेंट भी देना है, काम में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अपने लाइफ में कुछ इन्होंने एक एम सेट कर रखा है, आपको इन्होंने बोल दिया है जब तक मैं उस एम तक नहीं पहुँच जाती या पहुँच जाता तब तक शादी का नाम भी मत लेना। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत अलग एनर्जी है। थर्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कभी वो ओपन नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं करते। आप लाइक करते हो, वो भी लाइक करते हैं, बट ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि शादी करनी है या कमिटमेंट चाहिए या इस तरह की चीज़ें। कुछ लोगों का तो अनएक्सप्रेस्ड लव लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा इमोशंस, लेकिन दोनों जानते हैं कि दोनों कनेक्शन फील करते हैं, इस वजह से भी डीले हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो पेरेंट्स की हो सकती है या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या बच्चे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके में और आपके पार्टनर की एज में गैप हो, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, एज गैप है, या तो किसी एक का बच्चा है, कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर की विश है कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे टावर मोमेंट
ब्रेक थ्रू लाने की। देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है, थर्ड पार्टी की एनर्जी में टावर का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, केयर फ्री होके निकलना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। अगर ये फीमेल हैं और ये पेरेंट्स से डरती हैं, या अगर मैरिड हैं हस्बैंड से डरती हैं, अगर ये मेल हैं और लोगों से, समाज से, सोसाइटी से डरते हैं, या अपनी फैमिली से डरते हैं, या अपनी वाइफ से डरते हैं, तो ये इस सिचुएशन में टावर मोमेंट लाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो कोई भी सिचुएशन उस सिचुएशन को तोड़ना चाहता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको आप सिर्फ ढो रहे हैं एज बर्डन, एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इंसान चाहता है अपने दिल से कि वो उस सिचुएशन से केयर फ्री होकर बाहर निकल जाए। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में, या तो आप किसी गलत रिलेशनशिप में घुट रहे हैं, या तो आपके पार्टनर किसी गलत रिलेशनशिप में घुट रहे हैं, बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखेंगे आपको लेकर क्या चल रहा है। दूसरा डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। फाइव ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट विद एस ऑफ कप्स। ओके फाइन, तो आपको लेकर जो एनर्जी चल रही है, सबसे पहला कार्ड यहाँ द वर्ल्ड का आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक साइकिल में है। ये देखिए कर्मा साइकिल है, इस कर्मा साइकिल से बहुत जल्द ये रिलीज़ होंगे। जो भी टावर मोमेंट आएगा, जो भी ब्रेक थ्रू आएगा, वो इनको रिलीज़ करने के लिए ही आएगा इस एनर्जी से। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कैसे बढ़ना है, क्या एक्शन लेना है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं किसी भी वजह से। आपकी तरफ बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। देखिए करेंट एनर्जी में चैरियट का कार्ड है, तो बहुत जल्द आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। पावर में है, अपनी पावर का फुल यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ में है। किसी तरह का मैसेज तो आपको डेफिनेटली रिसीव होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का गिफ्ट भी मिल सकता है आपको मनाने के लिए। अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मैरिज की कमिटमेंट, आप में से कई लोगों को मैरिज की कमिटमेंट भी मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये तीन कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आपकी तरफ, राइट? सो देखते हैं आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, जो भी थर्ड पार्टी है उससे बाहर कब तक निकलेंगे, कब तक आपकी तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी से बाहर कब तक निकलेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। अरे हमारा झंडा गिर गया यार, बेस चक्रा क्या करते हो तुम,
चलो। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, इंट्यूशन, पार्टनरशिप एंड एलियंसेस एंड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली पावर का कार्ड आपकी करेंट फीलिंग्स में भी आया, अभी जस्ट स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनका इनर जो भी इनका मैस्कुलिन है या फेमिनिन है वो इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। पावरफुल डिसीजंस ये लेने वाले हैं। ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं आप दोनों के बीच में, उससे बाहर निकलेंगे। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 of Wands क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बैलेंस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगी, ये तो सही है, इससे बढ़िया क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता। इंट्यूशन क्यों आया है? ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जिससे भी डरते हैं देखो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये दो चीज़ों से परेशान हैं आपके पार्टनर, या तो किसी का डर है या तो पैसों की दिक्कत है। स्ट्रेंथ, क्या डिसीजन लेने वाला है स्ट्रेंथ में आके? ओके, शादी का भी कार्ड आ रहा था बाहर लेकिन आया नहीं। ट्रैप्ड इन फियर, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे पावर में आके, एक नई शुरुआत करेंगे। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बाहर आने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहला कार्ड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, इनकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे डिसकनेक्टेड हैं आपके पार्टनर, लेकिन बोर हो रहे हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में। वेटिंग एनर्जी है, यूनिवर्स टाइम ले रही है, यूनिवर्स उनको अवेकन कर रही है, यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अपना जो भी रोल है वो अदा कर रही है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे आएगा आपके रिलेशनशिप में? जब थर्ड पार्टी जो भी है उसको सैक्रिफाइस करेंगे तभी बैलेंस आएगा आपका, आपके रिलेशनशिप में। और पावर ये मैंने बता दिया आपको, तो ओवर एंड ऑल यही दिख रहा है कि आने वाले 3 days, 3 weeks या 3 months के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, जिससे भी डरते हैं, पावर में आके उससे बाहर निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आपको सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, पेशेंस रखना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो। सो ये थी आज की रीडिंग थर्ड पार्टी से रिलेटेड। होप आपको इस रीडिंग से करंट एनर्जी पता चली हो और उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें पता चली हों। अगर आने वाले टाइम में आपके पार्टनर से बात होती है और आपको इस एनर्जी से रेजोनेट होती है तो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।